एक तपस्वी अपने शिष्यों से बार बार ये कहता था, कण कण में भगवान है, ऐसी कोई वस्तु या स्थान नहीं जहां भगवान का वास ना हो। अतः हर वस्तु को भगवान समझ के उसे नमन करना चाहिए, ये उसकी शिक्षा का निचोड़ था। एक बार एक शिष्य हाट से होकर आ रहा था कि उसने देखा कि सामने से एक हाथी तीव्र गति से दौड़ता हुआ आ रहा है। महाबत चिल्ला रहा था, अरे भागो भागो, हाथी पागल हो गया है। शिष्य को अपने गुरु का कथन याद आ गया। उसने सोचा, हाथी में भी तो भगवान है, भला भगवान को भगवान से कैसा डर। और ये सोच के रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया। महावत ये देखकर क्रोधित होकर चिल्ला पड़ा, अरे पागल हो गए हो क्या, मर जाओगे, हट जाओ रास्ते से। सर्व शिष्य अपनी जगह से एक अंगुल भी इधर उधर नहीं हिला। फिर क्या था, हाथी ने उसे अपने सूंड में लपेटा और घुमा कर नाली में फेंक दिया। शिष्य नाली में कराहता रहा, पर उसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि भगवान ने भगवान को मारा। उसके सहपाठी उसे उठाकर आश्रम ले गए तो उसने गुरु से पूछा, आप तो कहते थे कि हर वस्तु में भगवान है, देखो देखो हाथी ने मेरी क्या दुर्गति की है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित ही हर वस्तु में भगवान का वास है, तो हाथी में भी है, मगर महावत में भी तो भगवान का वास है ना, तुमने उनकी बात क्यों नहीं सुनी।